सो हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका ई पाठशाला के प्लेटफॉर्म में और मैं आपकी टीचर हिमा बिस्ट आपको क्लास ट्वेल्थ की जो सीरीज़ है क्लास ट्वेल्थ बायोलॉजी की वो यहाँ पे पूरी करा रही होंगी। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट से एंड जो सिलेबस यहाँ पे हो रहा होगा ना वो आपका जो सीबीएसई ने चेंजेस कर रखे हैं उसके अकॉर्डिंग होगा। जो आपका प्रीवियस चैप्टर है इससे पहले रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म जो डिलीट हो चुका है वो आपको बोर्ड एग्जाम के लिए नहीं करना है, और जो अदर एग्जाम्स के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं अगर आप उसके लिए कर रहे हो तो आपको वो चैप्टर करना ज़रूरी होगा। एटलीस्ट अगर वहाँ से कोई नोटिस नहीं आ रखा है एग्जाम कंडक्टिंग बॉडी से, पर सीबीएसई के लिए आपको जो नया पैटर्न है वही फॉलो करना है, ठीक है। तो अगर स्टार्ट करें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स से, तो सबसे पहले इस चैप्टर में हम जो भी टॉपिक्स कर रहे होंगे तो उसमें मेनली आपके प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, फर्टिलाइजेशन, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स के बारे में बता रखा है। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो जरूरी है वो ये है कि आप सबसे पहले एनसीईआरटी करो। एनसीईआरटी करोगे वहीं से आपको नोट्स बनाने हैं। अगर आप एक्स्ट्रा नोट्स भी करते हो तो उससे पहले जरूर से एक बार एनसीईआरटी जरूर पढ़ लेना। इस वीडियोज़ में या इस सीरीज़ में आपको जो मिल रहा होगा वो एनसीईआरटी के बेस पे ही पढ़ाया जा रहा होगा, और एनसीईआरटी ही आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले अगर हम बात करें, स्टार्ट करते हैं हम फ्लावर, तो आपको पता होगा कि आपके पास एंजियोस्पर्म्स होते हैं, क्लियर दिख रहा होगा आपको। जो एंजियोस्पर्म्स होते हैं वो आपके फ्लावरिंग प्लांट होते हैं, तो एक एमसीक्यू ये भी बन सकता है कि आपके फ्लावरिंग प्लांट कौन कौन से होते हैं, उसमें एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म वगैरह के एग्जांपल दे दिए। तो एंजियोस्पर्म आपके क्या होते हैं, फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं, और जिम्नोस्पर्म आपके नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है ह्यूमन बींग हैड एन इंटीमेट रिलेशनशिप विथ फ्लावर सीन्स टाइम इमोरियल। तो यहाँ पे मतलब जो भी ये आपका लिखा हुआ है, ये क्या लिखा हुआ है, फ्लावर्स के बारे में कि कहाँ पे यूज़ होते हैं, ऑर्नामेंटल्स में और रिलीजियस चीज़ों में आपके फ्लावर यूज़ होते हैं। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट नहीं है, अगर क्वेश्चन आता भी है तो वो मेनली आपका जो प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट, फर्टिलाइजेशन, इनसे आपका एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। अब बात करते हैं फ्लावर की, तो फ्लावर में मेल पार्ट और फीमेल पार्ट दोनों हो सकते हैं एक फ्लावर में। मेल पार्ट को क्या बोलते हैं, फीमेल पार्ट को क्या बोलते हैं, और किसी किसी फ्लावर में आपको ओनली मेल पार्ट देखने को मिलेगा, फीमेल पार्ट देखने को मिलेगा। तो स्टार्ट करते हैं कि आपका जो मेल पार्ट होता है उसे क्या बोलते हैं। जैसे यहाँ पे आपको बहुत सारे दिख रहे होंगे ना स्टेमन, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये सारे क्या आपके स्टेमन है। स्टेमन को ही मेल पार्ट बोलेंगे किसी भी फ्लावरिंग प्लांट का। तो मेन पार्ट में आपका स्टेमन आ गया, सेंटर में आपको ये दिख रहा होगा, ये क्या है आपका स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, ये आपका क्या कौन सा पार्ट है, ये आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, या फीमेल पार्ट आप बोल सकते हो किसी भी फ्लावरिंग प्लांट का, जिसमें आपको इसको एक साथ मिलकर आप क्या बोल सकते हो कि जो फीमेल पार्ट होता है उसे हम क्या लिख सकते हैं, पिस्टिल, ठीक है। और जो मेल पार्ट है उसको क्या लिख सकते हैं आप, जैसे ये दिख रखा है इसको क्या लिख सकते हो, स्टेमन, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट मूव करते हैं, तो मेल में मतलब सॉरी आपका फ्लावर में एक फीमेल पार्ट और मेल पार्ट, दोनों को क्या नाम से बोला जाता है, मेल पार्ट को आप स्टेमन बोल सकते हो, फीमेल पार्ट को आप क्या बोल सकते हो, पिस्टिल। अब यहां पे प्री फर्टिलाइजेशन में क्या क्या पढ़ना है, आपने स्ट्रक्चर पढ़ना है मेल पार्ट का, फीमेल पार्ट का, उसके बाद इवेंट्स पढ़ने के कौन कौन से इवेंट्स होते हैं, अब वो फीमेल गैमेट कैसे बनता है या मेल गैमेट कैसे बनता है, वो चीज़ें आपको डीप में पढ़नी पड़ेंगी यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे जो लिखा हुआ है आपका, मच बिफोर द एक्चुअल फ्लावर इज सीन ऑन अ प्लांट, कि मतलब जब आपका एक फ्लावर दिखता है आपको एक प्लांट पे, उसका डिसीजन कि ये यहाँ पे फ्लावर ही बनेगा वो क्या होता है, उसका डिसीजन पहले ही ले लिया जाता है। उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है सर्वल हार्मोन एंड स्ट्रक्चरल चेंजेस आर इनिशिएटेड विच लीड टू डिफरेंशिएशन एंड फर्दर डेवलपमेंट ऑफ फ्लावर प्रिमोर्डियम। यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि हार्मोनल और स्ट्रक्चरल चेंजेस होते हैं आपके, उसी के बेसिस पे आपका फ्लावर बनता है, जैसे ह्यूमंस में होता है आपके, वैसे ही फ्लावर में भी सेम चीज़ होती है। उसके बाद नेक्स्ट मूव करेंगे कि आपका फ्लावर में, एक मिनट, फ्लावर में यहाँ पे इन द फ्लावर द मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर द एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम। तो मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर को और फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, वो आपको इस लाइन से क्लियर हो जाएगा। जो आपका एंड्रोशियम है जो यहाँ पे बोला जा रहा है वो क्या है आपका, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, ठीक है। तो आपका मेल रिप्रोडक्टिव को ऑर्गन को क्या बोलोगे आप, एंड्रोशियम। गाइनोशियम क्या होगा आपका, फीमेल रिप्रोडक्टिव
ऑर्गन, ठीक है। तो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को आप एंड्रोशियम बोलोगे, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को गाइनोशियम बोलोगे। और ये इंपॉर्टेंट है बिकॉज अब आप बड़ी क्लास में हो, ट्वेल्थ क्लास में हो, तो आपका ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि आप वहाँ पे ऐसे जो आपके वर्ड्स है ना ये यूज़ करोगे अपने एग्जाम में या आंसर शीट में, तो एक अच्छा इंप्रेशन भी पड़ेगा और आप बड़ी क्लासेस में आपको यही वर्ड यूज़ करने होंगे, ठीक है। आप पूरा ना लिख के फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन या स्ट्रक्चर पूरा ना लिख के आप वहाँ पे गाइनोशियम लिख सकते हो, ठीक है। आप पढ़ते हैं आपका मेल के बारे में कि यहाँ पे जो फीमेल मेल पार्ट होता है वो क्या होता है, पोलन ग्रेन कैसे बनता है, कहाँ मतलब माइक्रोस्पोरेंजियम क्या होता है आपका। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो आपका फिगर दे रखी है ये वाली, इसमें आपके पास एंथर है और इसको तो आप मेनली मतलब आपने टेंथ में भी पढ़ा होगा, इसको क्या बोलते हैं, फिलामेंट। तो एंथर और फिलामेंट दोनों मिलकर क्या बना रहे हैं आपका, स्टेमन बना रहे हैं, स्टेमन बना रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि जो आपका एक पार्ट हो जाता है आपका लॉन्ग स्लेंडर स्टाक, उसको क्या बोलते हैं, फिलामेंट। और टर्मिनल जनरली बाइलोब्ड स्ट्रक्चर को क्या बोला इन्होंने, एंथर। तो एंथर कैसा होता है आपका, बाइलोब्ड। कैसा होता है, बाइलोब्ड। एनसीईआरटी में ही अगर आप नोट्स बना सकते हो तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा, ठीक है। तो एंथर जो आपका बाइलोब्ड होता है, उसके बाद एक आपका इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है, एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन बन सकता है, द प्रॉक्सिमल एंड ऑफ फिलामेंट इज अटैच टू द थैलमस। कि जो आपका फिलामेंट है उसका जो प्रॉक्सिमल एंड है वो किससे अटैच है, आपका थैलमस से। अब ये प्रॉक्सिमल एंड से ही एक एमसीक्यू बन सकता है। अब तो आपके एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन भी आते हैं ना, तो एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी की लाइन से ही बनते हैं, वो कहीं बाहर से नहीं आते। उसके बाद यहाँ पे बता रखा है कि अगर आप कलेक्ट करते हो स्टेमन ऑफ ईच फ्लावर या डिफरेंट फ्लावर के, तो वहाँ पे आपको उनकी शेप या साइज में डिफरेंस देखने को मिलेगा। अब आता है आपका मतलब जहाँ से आपको ध्यान देना है कि मेन आपका माइक्रोस्पोरेंजियम कैसे बनता है, पोलन ग्रेन कैसे बनता है। लिखा हुआ है, अ टिपिकल एंजियोस्पर्म एंथर इज बाइलोब्ड, जो हमने ऊपर भी देख लिया था, विद ईच लोब हैविंग टू थेका। ईच लोब हैविंग टू थेका मतलब कि आपके हर एक लोब के पास दो थेका होते हैं, और उन दो थेका अगर उसके पास दो थेका है तो उसको हम क्या बोलेंगे, डाइथेकस, ठीक है। तो एक एमसीक्यू यहां से भी बन जाएगा कि आपका कैसा होता है, डाइथेकस होता है। अब यहां पे एक लेट अस अंडरस्टैंड द वेरिएशन टाइप ऑफ टिश्यू एंड देयर ऑर्गेनाइजेशन इन ट्रांसवर्स सेक्शन। अब यहाँ पे जो आपकी एनसीईआरटी है, यहाँ पे जो इमेज दिख रही है कि आपका ट्रांसवर्सल सेक्शन है, यहाँ पे आप आराम से देख सकते हो कि आपके दो लोब प्रेजेंट हैं और उन दो लोब्स में भी आपको थेका देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट मूव करते हैं, द बाइलोब्ड नेचर ऑफ एन एंथर इज वेरी डिस्टिंग इन ट्रांसवर्स सेक्शन। मतलब ट्रांसवर्स सेक्शन में आप आराम से देख सकते हो बाइलोब्ड नेचर को। द एंथर इज अ फोर साइड, एंथर कैसा है आपका, फोर साइड है, तो इसको क्या बोलेंगे, टेट्रागोनल स्ट्रक्चर। और इसमें क्या होते हैं आपके फोर माइक्रोस्पोरेंजिया। अब यहाँ से आपके मतलब माइक्रोस्पोर बोलना स्टार्ट हो जाएगा। ये भी आप ध्यान रखना कि माइक्रोस्पोर आप किसको बोलोगे, मेल गैमेट को बोलोगे, और मेगास्पोर आप किसको बोलोगे, फीमेल गैमेट को। तो माइक्रोस्पोरेंजिया आपके लोकेट कहाँ पे होते हैं, कॉर्नर पे। अगर आप इमेज देखना चाहो तो इमेज से देख सकते हो, ये आपका इमेज है। तो यहाँ पे जो माइक्रोस्पोरेंजियम है वो आपके कहाँ पे है, कॉर्नर पे है। तो हर एक थेका मतलब हर एक थेका में आपके पास दो माइक्रोस्पोरेंजियम देखने को मिलेंगे। स्ट्रक्चर के साथ समझना जरूरी है बिकॉज जब आप लिख रहे होंगे वहाँ पे अपने एग्जाम शीट में, आंसर शीट में, वहाँ पे आप इमेज भी बनाओगे, आपको लिखना भी आना चाहिए। और इन वर्ड्स को मतलब आप कोई नॉर्मल वर्ड्स नहीं यूज़ करोगे, आपको जो एनसीईआरटी की लाइन में दिख रहे हैं ना वर्ड्स, वही आपको यूज़ करने हैं। उसके बाद माइक्रोस्पोरेंजियम क्या होता है पता चल गया। उसके बाद माइक्रोस्पोरेंजियम जो डेवलप होता है वो फर्दर किस में डेवलप होता है, पोलन सैक में। और पोलन सैक से क्या आपका पोलन ग्रेन क्या होंगे, प्रोड्यूस होंगे, बनेंगे उसमें। अब स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम पढ़ते हैं, जो आपको अभी इमेज दिखाई थी मैंने। माइक्रोस्पोरेंजियम में क्या लिखा हुआ है, इन अ ट्रांसवर्स सेक्शन अ टिपिकल माइक्रोस्पोरेंजियम अपीयर नियर सर्कुलर इन आउटलाइन। तो कैसा अपीयर होता है, सर्कुलर, जैसे अभी इमेज देखी थी हमने, सेम जो लिखा हुआ है उन्होंने, कैसा सर्कुलर में आपका दिखाई देता है। उसके बाद अब हमें माइक्रोस्पोरेंजियम के बारे में क्या पढ़ना है, वो है इसके लेयर्स। जो लेयर्स यहाँ पे लिखी हुई है ना एनसीईआरटी में, वो इंपॉर्टेंट हो जाती है लेयर्स के बारे में पढ़ना, और लेयर्स का काम क्या होता है और वो कैसे मतलब उनका सीक्वेंस कि वो कैसे लगी हुई है, उनके बारे में जानना जरूरी हो जाएगा।
यहाँ पे लिखा हुआ है इट इज जनरली सराउंडेड बाई फोर वॉल लेयर्स. कितने वॉल लेयर्स हैं यहाँ पे? फोर. द एपिडर्मिस, इंडोथेलियम, मिडल लेयर एंड टैप्टम. तो आपकी चार लेयर हैं कौन कौन सी? एपिडर्मिस, इंडोथेलियम, मिडल लेयर और टैप्टम. तो चारों लेयर्स को आपको याद करना है. आउटर थ्री वॉल्स जो होती हैं, लेयर्स जो होती है ना इसकी, उनका काम प्रोटेक्शन का होता है और डेसेंस का होता है. ठीक है, प्रोटेक्शन और डेसेंस हो गया उनका काम. उसके बाद जो टैप्टम है वो सबसे अंदर वाली लेयर है इसकी. इमेज में देखते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे देख लो आप, अगर साफ नहीं दिख रहा बता देती हूँ. ये टैप्टम आपका क्या है? सबसे इनर मोस्ट लेयर है. उसके बाद मिडल लेयर आपको यहाँ पे दिख रही होगी ये वाली, और ये क्या हो जाएगी आपकी? इंडोथेलियम. सबसे बाहर वाली क्या हो जाएगी? एपिडर्मिस. तो एपिडर्मिस फर्स्ट लेयर है, इंडोथेलियम इसकी सेकेंड लेयर है, टैप्टम आपकी इनर मोस्ट मतलब फोर लिख सकते हो, और थर्ड वाली हो जाएगी मिडल लेयर. ठीक है, तो मिडल लेयर आपको समझ आ गया कि आपकी चार लेयर्स हैं और कहाँ कहाँ पे हैं वो आपका क्लियर हो जाएगा यहाँ से. और ये आपको इमेज मतलब बनानी आनी चाहिए एग्जाम के लिए. तो इनर मोस्ट लेयर जो है वो टैप्टम है आपकी. अब टैप्टम के काम पूछ लेगा कि टैप्टम का काम क्या है. बाकी तीनों का काम क्या था? एक तो आपका प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रही है, और दूसरा था हेल्प इन डेसेंस ऑफ एंथर टू रिलीज पोलन. डेसेंस मतलब जब आपका जो एंथर है वो फटेगा तो आपके पोलन ग्रेन तभी बाहर निकलेंगे, उसके लिए वो हेल्प करता है. टैप्टम का काम क्या है ये देख लो. इट नरिशेज द डेवलपिंग पोलन ग्रेन. क्या करता है? आपका जो पोलन ग्रेन वहाँ पे अंदर डेवलप हो रहा है उसको नरिशमेंट प्रोवाइड करता है. जैसे हमारे ह्यूमंस में प्लेसेंटा होता है जो इसका काम करेगा, वैसे ही यहाँ पे आपका टैप्टम है, एक लेयर है जो उस पोलन ग्रेन को क्या प्रोवाइड करेगी? न्यूट्रिएंट या नरिशमेंट प्रोवाइड करेगी. सेल ऑफ द टैप्टम पोजेस डेंस साइटोप्लाज्म. डेंस साइटोप्लाज्म, अब साइटोप्लाज्म क्या होता है? आपका न्यूक्लियस को छोड़ के जो भी बाकी चीज बची है आपके एक सेल के अंदर वो आपका क्या कहलाएगा? साइटोप्लाज्म. कैसा साइटोप्लाज्म होता है? इसका डेंस साइटोप्लाज्म होता है, और मोर देन वन न्यूक्लियस आपके प्रेजेंट होते हैं टैप्टम में. अब मोर देन वन न्यूक्लियस है तो ये एक एमसीक्यू बन जाएगा यहाँ से कि आपके कितने मोर देन वन न्यूक्लियस किस लेयर में प्रेजेंट होते हैं. ओनली टैप्टम में लिखोगे, ठीक है. उसके बाद है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस. अब यहाँ पे एक और चीज़ है आपकी, स्पोरोजीनियस टिश्यू. व्हेन द एंथर इज यंग, अ ग्रुप ऑफ कॉम्पैक्टली अरेंज्ड होमोजीनियस सेल कॉल्ड स्पोरोजीनियस टिश्यू जो होते हैं वो सेंटर पे आ जाते हैं ईच माइक्रोस्पोरेंजियम के. अभी स्ट्रक्चर जो आपका था यहाँ पे तो ये जो आपका माइक्रोस्पोरेंजियम बताए थे मैंने कि चार होते हैं आपके, एक एरा एक एरा एक एरा एक एरा, वैसे ही यहाँ पे स्पोरोजीनियस टिश्यू क्या होते हैं? हर एक माइक्रोस्पोरेंजियम के सेंटर पे आ जाते हैं. अब उनके जो बता रखे हैं कि वो कैसे होते हैं, होमोजीनियस. होमोजीनियस मतलब जिन सेल्स का वर्क या जो सेल्स क्या होते हैं सेम टाइप के होते हैं. अब माइक्रोस्पोरोजेनेसिस पढ़ेंगे. माइक्रोस्पोरोजेनेसिस मतलब जो आपका पोलन ग्रेन बन रहा है वो कैसे बनता है, ठीक है. तो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस का अगर आप इसको तोड़ोगे टुकड़ों में तो मतलब क्या हुआ इसका? माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, माइक्रो का मतलब हो गया आपका छोटा, स्पोर मतलब आपका पोलन ग्रेन को ही बोल रहे हैं, जेनेसिस का मतलब होता है कोई चीज़ जब बन रही हो. किसी चीज़ का बनना क्या कहलाएगा? जेनेसिस. तो आप माइक्रोस्पोरोजेनेसिस पढ़ेंगे कि आपका पोलन ग्रेन कैसे बनता है. माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, एज द एंथर डेवलप द सेल ऑफ स्पोरोजेनियस टिश्यू अंडरगो मियोटिक डिवीजन. तो अभी हमने पढ़ा था कि स्पोरोजेनियस टिश्यू आपके कैसे होते हैं, उनके पास होमोजेनियस टिश्यू होते हैं. अब वो क्या हो रहे हैं वहाँ पे? मियोटिक डिवीजन होगा. मियोटिक डिवीजन मतलब आपका मियोसिस ही होगा. उसके बाद क्या बनाएंगे वो? एक माइक्रोस्पोर टेट्राड. इम्पॉर्टेंट है ये. सबसे पहले क्या बन रहा है आपका? माइक्रोस्पोर टेट्राड बनेगा. किससे? स्पोरोजीनियस टिश्यू जो मियोटिक डिवीजन करेंगे उससे आपका क्या बनेगा? माइक्रोस्पोर टेट्राड बनेगा. और ये इम्पॉर्टेंट है कि माइक्रोस्पोरोजेनेसिस क्या होता है. अब ये आपका जो ट्रांसफर सेक्शन है ऑफ यंग एंथर, उसमें आपको माइक्रोस्पोरेंजियम उन्होंने अच्छे से दिखा दिया बी वाले में. अगर आप देखना चाहोगे तो चार आपके पास माइक्रोस्पोरेंजियम थे, एक दो तीन चार. अब ये आपको अच्छे से खोल के दिखा दिया है कि यहाँ पे क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट हैं एक माइक्रोस्पोरेंजियम में.
एज ईच सेल ऑफ स्पोरोजिनियस टिश्यू इज कैपेबल ऑफ गिविंग राइज टू अ माइक्रोस्पोर टेट्राड, मतलब हर एक सेल जो होगा आपका स्पोरोजिनियस टिश्यू का वो आराम से माइक्रोस्पोर टेट्राड बना सकता है। ईच वन इज पोटेंशियल पोलन और माइक्रोस्पोर मदर सेल, तो उसमें आप उनके हर एक सेल को जो स्पोरोजिनियस टिश्यू था उसके हर एक सेल को MMC लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो? MMC मतलब आपका माइक्रोस्पोर मदर सेल। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर फ्रॉम अ पोलन मदर सेल थ्रू मियोसिस इज कॉल्ड माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। तो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस की डेफिनेशन आपके यहाँ से क्लियर हो जाएगी। क्या? द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर, कि आपका जो माइक्रोस्पोर है वो कहाँ से बनेगा? पोलन मदर सेल से बनेगा, या MMC आप बोल सकते हो उसको, या PMC बोल सकते हो। पोलन मदर सेल से जब आपका एक फॉर्मेशन हो रहा है माइक्रोस्पोर का, माइक्रोस्पोर मतलब पोलन ग्रेन का, उसी को आप क्या बोल रहे हो? माइक्रोस्पोरोजेनेसिस बोल रहे हो। फिर नेक्स्ट आपका माइक्रोस्पोर एज दे, द माइक्रोस्पोर एज दे आर फॉर्म्ड आर अरेंज्ड इन अ क्लस्टर ऑफ फोर सेल, उसको हम क्या बोलते हैं? माइक्रोस्पोर टेट्राड। अभी हमने ऊपर डेफिनेशन में वही पढ़ी थी कि एक माइक्रोस्पोर टेट्राड बनेगा। उसके बाद एज द एंथर मैच्योर एंड डिहाइड्रेटेड द माइक्रोस्पोर डिसोसिएट फ्रॉम ईच अदर एंड डेवलप इनटू पोलन ग्रेन, तो जैसे जैसे एंथर मैच्योर होगा वो क्या करेंगे? एक दूसरे से अलग हो जाएंगे। ठीक है, अब हम पोलन ग्रेन के बारे में पढ़ेंगे। जब वो अलग हो गए एक दूसरे से तो वो क्या बन गए? पोलन ग्रेन बन गए। पोलन ग्रेन के बारे में आपको क्या पढ़ना है कि इसकी साइज क्या होती है, उसके नेचर के बारे में पढ़ेंगे थोड़ा, और उसकी प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे। फिर यूजेस के बारे में बता रखा है यहाँ पे। सबसे पहले अगर मूव करते हैं कि पोलन ग्रेन रिप्रेजेंट द मेल गैमेटोफाइट। अब मेल गैमेटोफाइट क्या हो गया आपके पास यहाँ पे फ्लावरिंग प्लांट्स में? पोलन ग्रेन। मेल गैमेटोफाइट आपका क्या होता है? मतलब जो मेल गैमेट होगा आपका उसको आप क्या बोलोगे? पोलन ग्रेन बोलोगे। If you touch the open anther of a hibiscus, मतलब वही जो आपके नॉर्मल फ्लावर्स में अगर आपने देखा होगा पीला पीला सा, वही आपका पोलन ग्रेन कहलाता है। यहाँ पे अलग अलग आपको पोलन ग्रेन दिखा रखे हैं, और वो जो ए वाला स्ट्रक्चर है वो आपका क्या है? माइक्रोस्पोर टेट्राड है। ये वाला स्ट्रक्चर आपका क्या है? माइक्रोस्पोर टेट्राड। उसके बाद यहाँ पे पोलन ग्रेन आर जनरली स्पेरिकल मेजरिंग अबाउट 20-50 माइक्रोमीटर इन डायमीटर। तो पोलन ग्रेन की जो साइज दे रखी है आपको वो कितनी दे रखी है? 25-50 माइक्रोमीटर जनरली उनकी साइज, मतलब जो उनका साइज होता है वो छोटा होता है। उसके बाद यहाँ पे बता रखा है कि आपकी जो पोलन ग्रेन है ना उसकी दो लेयर्स होती हैं। यहाँ पे अगर आप देख लोगे तो ये सब पोलन ग्रेन्स दिखा रखे हैं। तो पोलन ग्रेन के आउटर लेयर को एग्जाइन बोलते हैं और इनर लेयर को इंटाइन बोलते हैं। एग्जाइन की प्रॉपर्टीज पढ़नी है कि एग्जाइन जो होता है वो किससे बना होता है? स्पोरो पोलेनिन का बना होता है, जो कि मोस्ट रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक मटेरियल है। मोस्ट रेजिस्टेंस मतलब कि अगर आपका पोलन ग्रेन या जो आपका पोलन ग्रेन है वो बहुत टाइम तक अगर आपने सेव करके भी रखा हुआ है ना तो उसको कोई डैमेज वगैरह नहीं हो सकता। क्यों? स्पोरो पोलेनिन की वजह से। और ये क्या है? इट कैन विथस्टैंड हाई टेम्परेचर्स एंड स्ट्रॉन्ग एसिड एंड एल्कली। तो स्पोरोपोलेनिन के बारे में लिखने को आ सकता है कि स्पोरोपोलेनिन क्या है, तो आप लिख सकते हो कि स्पोरोपोलेनिन एक ऑर्गेनिक रेजिस्टेंस मटेरियल है। ठीक है, तो और ये कहाँ प्रेजेंट होता है? एग्जाइन में। एग्जाइन क्या है? आपकी पोलन ग्रेन की आउटर लेयर। उसके बाद यहाँ पे इंटाइन है कि इनर वॉल ऑफ अ पोलन ग्रेन इज कॉल्ड इंटाइन। इट इज़ अ थिन एंड कंटिन्यूस लेयर मेड अप ऑफ सेलुलोज एंड पैक्टिन। तो दोनों लेयर पता चल गई जो आपकी ये थी एग्जाइन, ये किसकी बनी हुई थी? स्पोरोपोलेनिन। जो आपकी इंटाइन है ये किसकी बनी हुई है? सेलुलोज एंड पैक्टोज। तो प्रॉपर्टीज मतलब आपके पोलन ग्रेन की थोड़ी ज़्यादा ही है कि इसका साइज, फिर इसकी जो लेयर्स होती हैं उनकी प्रॉपर्टीज। उसके बाद आप वेजिटेटिव और जनरेटिव सेल्स के बारे में पढ़ेंगे। इंटाइन के बारे में हमने पढ़ लिया कि ये आपका सेलुलोज और पैक्टिन की बनी होती है। उसके बाद व्हेन ए पोलन ग्रेन मैच्योर इट कंटेन्स टू सेल। जब पोलन ग्रेन आपका मैच्योर हो गया, यहाँ पे स्ट्रक्चर दिख रहा होगा आपको, यहाँ पे कौन कौन से सेल हैं? एक तो वेजिटेटिव है, एक आपका जनरेटिव सेल है। उसके बाद वेजिटेटिव सेल एंड जनरेटिव सेल, द वेजिटेटिव सेल इज बिगर। तो आपको यहाँ पे दिख भी रहा होगा इमेज में कि वेजिटेटिव सेल आपका कैसा है? बिगर इन साइज। हैज अबंडेंट फूड रिजर्व एंड लार्ज इरेगुलरिटी शेप न्यूक्लियस। द जनरेटिव सेल कैसा है आपका? जनरेटिव सेल आपका स्मॉल है और फ्लोट करता है किसमें? साइटोप्लाज्म में। उसके बाद इट इज स्पिंडल शेप विद डेंस साइटोप्लाज्म एंड अन न्यूक्लियस। तो आपका जो साइटोप्लाज्म है आपके जनरेटिव सेल का वो कैसा है? डेंस है। इन ओवर 60% ऑफ एंजियोस्पर्म पोलन ग्रेन आर सेड एट टू सेल स्टेट। अब यहाँ पे एक
ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि मोस्टली जो पोलन ग्रेन होते हैं वो टू सेल स्टेट पे सेट हो जाते हैं, मतलब वहीं पे आके रुक जाते हैं। टू सेल स्टेज मतलब एक जनरेटिव सेल बनेगा, एक आपका वेजिटेटिव सेल बनेगा। पर 60% के अलावा कितने बचे आपके 40%, उसमें कैसा होता है? थ्री सेल स्टेज। तो वही है कि आपका टू सेल स्टेज कितने होते हैं 60%, और आपके थ्री सेल स्टेज कितने बचे 40% ऑफ एंजियोस्पर्म। तो पोलन ग्रेन की प्रॉपर्टीज हमने क्या क्या पढ़ी? सबसे पहले अगर बात करते हैं कि इसका साइज बड़ा, उसके बाद उसकी दो लेयर्स होती हैं एक्साइन और एंटाइन, उनके बारे में पढ़ा। एंटाइन और एक्साइन में किस चीज़ की बनी होती है? एक्साइन किसकी बनी होती है? आपकी स्पोरोफोलानिन, ठीक है। उसके बाद एंटाइन किसकी बनी होती है? सेलुलोज और पेक्टिन। उसके बाद आपके दो सेल होते हैं जनरेटिव और वेजिटेटिव। जनरेटिव सेल्स की प्रॉपर्टीज पढ़ी, वेजिटेटिव सेल्स की प्रॉपर्टीज पढ़ी। जनरेटिव सेल आपका क्या कर सकता है? आगे जाके डिवाइड कर सकता है दो सेल्स में, तब वो आपका थ्री सेल स्टेज हो जाएगा। पर अगर दो सेल स्टेज में कर जाता है तब आपका वो टू सेल स्टेज होगा, मतलब जब आपके सिर्फ ये दो सेल्स मतलब रह जाएंगे तब उसको हम क्या बोलेंगे? टू सेल स्टेज। और अगर जब आपका जनरेटिव सेल जो है वो टूट जाएगा दो हिस्सों में, या दो जनरेटिव सेल बन जाएंगे, डेवलपमेंट हो जाएगा, तब उसको हम बोल सकते हैं थ्री सेल स्टेज, ठीक है। तो पोलन ग्रेन के बारे में हमने पढ़ लिया। अब पोलन ग्रेन का यूज़ कहाँ पे होता है? अगर आप देखोगे तो पोलन ग्रेन का मेनली कुछ लोगों को एलर्जीज वगैरह होती है, वो एलर्जीज वगैरह तब होती है जब बहुत मतलब ऐसा मौसम हो जहाँ पे हवा बहुत चलती है, तो पोलन ग्रेन उड़ के ही एलर्जी कॉज करते हैं। तो एक चीज़ आप लिख सकते हो कि हाँ, पोलन ग्रेन एलर्जी कॉज करते हैं। बट पोलन ग्रेन का यूज़ भी किया जाता है कहाँ पे? अक्रॉस, मतलब आपके आउटसाइड इंडिया अगर आप देखोगे ना, तो पोलन ग्रेन से बहुत से ऐसे प्रोडक्ट बनते हैं जिनसे क्या मिलता है, मतलब वैसे तो ये न्यूट्रिएंट रिच होते हैं आपके पोलन ग्रेन, तो जो एथलीट वगैरह हैं या कोई भी आपके कोई भी अगर अपनी परफॉर्मेंस इंक्रीज करना चाहते हैं, मतलब जो एथलीट्स वगैरह होते हैं जो आपके मतलब जिनका जहाँ पे बॉडी का ज़्यादा यूज़ होता है, तो वहाँ पे ये वो प्रोडक्ट यूज़ करते हैं जो पोलन ग्रेन के बने होते हैं। और यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये फूड सप्लीमेंट में यूज़ होते हैं। कहाँ यूज़ होते हैं? फूड सप्लीमेंट में। और जो इसके प्रोडक्ट होते हैं वो उसमें टैबलेट बनाओ, सिरप बनाओ, इसमें क्यों बनाते हैं? क्योंकि इसमें ये न्यूट्रिएंट रिच होता है, ठीक है। तो एथलीट्स वगैरह जो होते हैं, रेस हॉर्सेस जो होते हैं, उनमें मतलब वो इसका यूज़ करते हैं। उसके बाद पोलन ग्रेन के बारे में एक जो आपको पढ़ना है मेन पॉइंट, वो ये है कि हर एक जो प्लांट है उसके पोलन ग्रेन की जो वायबिलिटी होती है, मतलब वो कितने टाइम तक एक्टिव रहेगा, वो अलग अलग होती है। द पीरियड फॉर विच पोलन ग्रेन रिमेन वायबल इज हाईली वेरिएबल टू सम एक्सटेंट, डिपेंड ऑन द प्रिवेलिंग टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी। किस पे डिपेंड कर रहा है? एक तो टेम्परेचर पे और ह्यूमिडिटी पे। जैसे कुछ राइस, वीट, वीट के जो पोलन ग्रेन होते हैं उनकी वायबिलिटी कितनी होती है? 30 मिनट्स तक। वैसे ही जो रोजेसिया फैमिली है, सोलेंशिया है, उनकी कहाँ तक होती है? 1 मंथ तक, ठीक है। अगर वो पोलन ग्रेन 30 मिनट्स के अंदर नहीं पहुँचे स्टिग्मा तक, तो उसकी वायबिलिटी ख़त्म हो जाएगी। किस में? राइस और आपके वीट में। बट जो रोजेसिया फैमिली है, सोलेंशिया फैमिली है, वहाँ पे कब तक होगा वो? 1 मंथ तक। अब उसके बाद एक एमसीक्यू यहां से बन सकता है आपका। यू मे हैव हर्ड ऑफ स्टोरिंग सीमन, मतलब कि जो आपका सीमन होता है या स्पर्म होता है उनको क्या करा जाता है? स्टोर करा जाता है। अलग अलग जानवर्स के मतलब जो एनिमल्स हैं उनका किया जाता है, वैसे ही पोलन ग्रेन को भी आप स्टोर कर सकते हो। क्यों, कैसे कर सकते हो? क्योंकि आपके पास स्पोरोफोलानिन है, जो हमने अभी एक्साइन वाली लेयर्स में पढ़ा। तो स्पोरोफोलानिन ही आपका क्या करता है? उसको सेफ रखता है, प्रोटेक्ट करके रखता है। और उसके लिए आपको जो चीज़ें चाहिए होंगी ना, वो चाहिए होगा लिक्विड नाइट्रोजन, और टेम्परेचर क्या होना चाहिए? -196 डिग्री सेल्सियस। और यहाँ पे आप क्या कर सकते हो? पोलन ग्रेन को स्टोर कर सकते हो। और इनका यूज़ कहाँ पे होगा? मेनली आपका सीड बैंक में होता है, क्रॉप ब्रीडिंग प्रोग्राम्स में होता है, मतलब जहाँ पे चीज़ें नहीं पाई जाती, कहीं और से अगर वो सीड लाना है तो वहाँ पे आपका जो प्रिजर्वेशन है पोलन ग्रेन का, वो लिक्विड नाइट्रोजन से किया जा सकता है। तो होप आपको आज के लेक्चर में समझ आया होगा कि आपको पढ़ना कैसे है एनसीईआरटी को, और ये चैप्टर आपको समझ आया होगा। अगर कोई भी चीज़ समझ नहीं आती ना, तो आप कमेंट में लिख सकते हो। कमेंट में अगर वो मतलब आप लिखोगे तो उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में उस चीज़ को पहले डिस्कस कर लिया जाएगा, ठीक है। तो ये जो आपका चैप्टर है, इसके जो जितने भी पेज आज हुए हैं, आप एनसीईआरटी मार्क्स मार्क कर लेना उसके लिए, और जहाँ पे आपको समझ ना आए तो आप कमेंट्स कर सकते हो। और इसके नेक्स्ट पार्ट को हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, जहाँ पे आपको माइक्रोस्पोरन मेगा स्पोरेंजियम, अभी माइक्रो हमने पढ़ लिया है, मेगा स्पोरेंजियम कैसे बनता है, ओवल कैसे बनता है, और आपका एम्ब्रियो सैक कैसे बनता है, वो सब नेक्स्ट लेक्चर में आपका क्लियर किया जा रहा होगा, और वो भी आपका एनसीईआरटी से कराया जाएगा। तो जब भी आप लेक्चर देखने बैठो तो एक अपनी एनसीईआरटी की बुक को साथ में रखो। तो होप आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। तो अब नेक्स्ट वीडियोज़ में मिलेंगे, और